देखिए ये दमदार एंट्री, बकायदा फिल्मों की तरह। पहले एक मोटरसाइकिल, फिर तीन मोटरसाइकिल, और फिर आती है बुलेट की बारी। बकायदा राउडी पुलिस की तरह सायरन बजाते हुए ये अंबेडकर नगर पुलिस वाले हैं। दरअसल एक पुलिस वाले को इस लॉकडाउन में काफिले के साथ विदाई मिली, और इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ये विदाई समारोह करना पुलिस वाले को भारी पड़ गया। अंबेडकर नगर के बसखारी के थाना अध्यक्ष रहे मनोज सिंह को अब सस्पेंड कर दिया गया है। मनोज सिंह का हाल ही में बसखारी से जयपुर में ट्रांसफर हुआ था। इस दौरान लॉकडाउन के बीच ही बड़े काफिले के साथ बिना मास्क लगाए साथी पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहे। बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर के टांडा से भाजपा विधायक संजू देवी ने अवैध वसूली के आरोप में बसखारी के थाना अध्यक्ष मनोज सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी। इसी शिकायत के बाद मनोज सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें बसखारी से जयपुर भेजा गया था, लेकिन जब बसखारी से मनोज सिंह की विदाई होने लगी तो सरकारी गाड़ियों का बड़ा काफिला आया। कई पुलिसकर्मी बाइक पर बिना मास्क बिना हेलमेट पहने काफिले में शामिल हुए। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और कोरोना संकट काल में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियों पर अब जिले के एसपी ने संज्ञान लिया है। सर एक वीडियो वायरल हुआ है थाना पुलिस का, वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाया गया है और मुझे भी भेजा गया है। वीडियो को मैंने देखा है और उसके क्योंकि उसमें आरोप लगा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया कर्मचारियों के द्वारा, इसके विषय में एडिशनल एसपी साहब को एक जाँच दे दी गई है और 24 घंटे में जाँच मांगी गई है। आरोप सही पाए जाने पर उसमें कार्रवाई की गई। अम्बेडकर नगर से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।